हेलो बच्चों, माय नेम इज निर्जा देसाई। आज हम चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट का अगला पार्ट देखेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने क्या सीखा? फोटोसिंथेसिस। तो हम उसको थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में याद रखने के लिए एकदम बेस्ट तरीका है क्या, हमें वो इक्वेशन याद रखना है। ठीक है, तो इक्वेशन फिर से याद करेंगे। तो इक्वेशन क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? सनलाइट एंड क्लोरोफिल कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, याद हो गया, याद रह गया। अभी अगर और ये कार्बोहाइड्रेट कौन से फॉर्म में स्टोर होता है? दैट इज स्टार्च। ठीक है, अभी हमने स्टैंडर्ड 6 में पढ़ा था अलग अलग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। ठीक है, इसके टेस्ट कैसे करते हैं, कोई से भी फूड में प्रेजेंट है कि नहीं, ये हम अलग अलग टेस्ट के द्वारा चेक करते थे। तो अभी याद है आपको कि हमें कोई से किसी में भी स्टार्च है या नहीं है इसके लिए क्या चाहिए, उसके टेस्ट के लिए मेन क्या है? आयोडीन सोल्यूशन। ठीक है, अगर कोई सी भी चीज जिसमें स्टार्च प्रेजेंट हो, हमने उसमें आयोडीन डाला, तो उस वो कलर क्या कौन सा हो जाता है? वायोलेट कलर हो जाता है। ठीक है, तो अभी को एक प्रैक्टिकल करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे, हाउ टू चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च और स्टार्च। ठीक है, ऑन फोटोसिंथेसिस की वजह से स्टार्च बना लीफ में कि नहीं बना है। ठीक है, ये चेक करेंगे। तो कैसे करेंगे कि पहले एक छोटा सा गमला या पॉट जिसमें एक छोटा सा पौधा हो, उसको क्या करना है? डार्क में रखना है, इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट। इससे क्या होगा कि अगर जो लीफ में जो स्टार्च लीफ में बनाया होगा वो सारा यूटिलाइज कर देगा। जैसे हमारी बॉडी भी कुछ एनर्जी स्टोर करके रखती है, अगर एक दो दिन तक हमें खाना ना मिले तो हम वीक हो जाते हैं लेकिन हम मर नहीं जाते, वैसे ही सेम एज प्लांट में होता है, वो भी स्टार्च स्टोर करके रखता है। ठीक है, अभी आप सनलाइट में उस पर सनलाइट नहीं आएगी तो क्या होगा, वो जितना भी स्टोर किया हुआ है स्टार्च वो सारा यूटिलाइज कर देगा। अभी आप 3 दिन के बाद उस पे वही लीफ पे आयोडीन सोल्यूशन डालोगे तो क्या वो वायलेट कलर होगा? यस और नो? नो, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सारा स्टार्च यूटिलाइज कर लिया है प्लांट ने, वो प्लांट इसलिए मर नहीं जाएगा, थोड़ा सा मुरझा जाएगा जैसे हम वीक हो जाते हैं। ठीक है, फिर वही पौधे को हम वापस से एक दिन, सिर्फ एक दिन सनलाइट में रखने की जरूरत है, फिर उसपे वहां पे हम आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे तो उसका कलर वायलेट होगा कि नहीं होगा? यस, उसका कलर वायलेट होगा क्योंकि उसने सनलाइट को यूज करके क्या बना लिया है? स्टार्च। तो फोटोसिंथेसिस में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सनलाइट। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। याद रखो, क्या हम सन के बिना ये अर्थ को इमेजिन कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। हाँ, क्योंकि यहाँ पे सन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबडी। ठीक है, अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, क्या जो पत्ते हरे नहीं होते उसमें फोटोसिंथेसिस होता है? यस, होता है। अब आप सोचेंगे कैसे, जैसे हमने कई सारे कलर के प्लांट्स देखे हैं, जिसके पत्ते या तो येलो होंगे या ऑरेंज या वायलेट, आपके आसपास कई सारे होंगे। ठीक है, तो उसमें फोटोसिंथेसिस होता है? यस, होता है। क्यों? क्योंकि उसमें
क्लोरोफिल तो होता ही, लेकिन वो थोड़ी कम मात्रा में होता है। और जो दूसरे कलर का पिगमेंट है जैसे येलो, ऑरेंज, वायलेट कलर का पिगमेंट ज्यादा होता है, इसलिए उसका कलर क्या होता है, येलो, वायलेट और ऑरेंज, ठीक है। लेकिन उसमें क्लोरोफिल होता ही है और वो अपना खाना खुद से ही पकाते हैं, उसमें फोटोसिंथेसिस होता ही है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन वी आर मूविंग ऑन एल्गी। कभी कभी आप घूमने गए होंगे तो आपने तालाब पे ऐसे ग्रीन पैचेस देखे हैं, फिर कहीं पे वॉल पे ग्रीन ग्रीन कलर के पैचेस देखे हैं, ठीक है, वो क्या है, एल्गी। क्या है, एल्गी। व्हाई इट इज ग्रीन, बिकॉज इट कंटेन्स व्हाट, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होने से वो क्या करेगी, अपना खाना खुद से पकाएगी, उसमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफर। ओके, नाउ याद रहे, अगर कोई पूछे कि प्लांट के अलावा गिव मी द अनदर एग्जांपल ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म विच इज ऑटोट्रॉफर, तो क्या होगा, एल्गी, ठीक है, याद रहेगा। अभी नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। हमने क्या देखा, फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अभी हमारे मेन न्यूट्रिएंट्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ठीक है। अभी कार्बोहाइड्रेट तो बन गया, ठीक है, अभी कार्बोहाइड्रेट में से ही बनेगा फैट, कैसे, जो वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, वो हम जब बड़े होंगे तो नेक्स्ट स्टैंडर्ड में सीखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए याद रखो, कार्बोहाइड्रेट में से फैट बन जाता है, लेकिन प्रोटीन बनने के लिए और एक चीज चाहिए, क्या, वो है नाइट्रोजन, ठीक है। फैट और कार्बोहाइड्रेट बनते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के, लेकिन प्रोटीन में मेन क्या होता है, नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन प्लांट को कहां से मिलता है, अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, कि हमारे आसपास जो एटमोस्फेयर है उसमें बहुत सारे गैसेस है, उसमें एक गैस है नाइट्रोजन, ठीक है। एयर में होता है नाइट्रोजन, तो लीफ क्या ले लेता है नाइट्रोजन, नहीं, लीफ नाइट्रोजन नहीं ले पाता, लीफ का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो नाइट्रोजन डायरेक्टली कंजर्व नहीं कर पाता, इसीलिए क्या होता है पता है, सॉइल में एक टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और वो नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। फिर ये नाइट्रोजन वाटर में मिल जाता है और वाटर के थ्रू रूट एब्जॉर्ब कर लेता है और वो चला जाता है लीफ में, जैसे कि मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब होते हैं रूट के द्वारा, तो वाटर में क्या सॉल्युबल होता है, नाइट्रोजन, तो ऐसे लीफ को क्या मिल जाता है, नाइट्रोजन, और वो क्या बना लेता है, उससे प्रोटीन। याद रहेगा, नाइट्रोजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय बैक्टीरिया इन द सॉइल, ठीक है, एंड कन्वर्टेड इनटू सॉल्युबल फॉर्म विच इज एब्जॉर्ब बाय रूट, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कहीं पे कोई से प्लांट को नाइट्रोजन की ज्यादा जरूरत होती है, तो क्या करता है फार्मर, फर्टिलाइजर डालता है, फर्टिलाइजर में मेनली क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, समझ में आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज हिटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक है। जैसे हर चीज में एक्सेप्शन होता है, ठीक है, वैसे ही प्लांट में भी एक्सेप्शन है। कुछ प्लांट है लेजी टाइप के, आलसी टाइप के, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, दूसरे प्लांट पे निर्भर रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल है
कैक्टस कटा प्लांट। आप बुक में देखिए फिगर 1.5, ठीक है, ये फिगर मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पाऊंगी, तब बुक में देखिए ट्यूब्यूलर स्टेम है येलो कलर का, ठीक है, वो क्या है, कसकटा प्लांट, वो एक बड़े से पेड़ पे ऐसे लटक गया है। तो कसकटा प्लांट क्या करता है, अपने जो रूट होता है वो दूसरे प्लांट में गाड़ देता है और फिर वो दूसरे प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। तो अभी इसमें जो दूसरा प्लांट है जिसपे कसकटा प्लांट है, ठीक है, उसको बोलेंगे होस्ट प्लांट, और कसकटा प्लांट को क्या बोलेंगे, पैरासाइट प्लांट। याद रहेगा कसकटा प्लांट इज कॉल्ड पैरासाइट प्लांट एंड जिसपे वो रहता है उसको बोलेंगे होस्ट प्लांट, ठीक है। नाउ ये एक एग्जांपल हो गया हिटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक है। तो कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो हिटरोट्रॉपिक, का एग्जांपल क्या है, कसकटा। अभी कभी कभी अपने पिक्चरों में या फिल्म में या कार्टून में देखा होगा कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट को खा जाता है, क्या वो सही है? हाँ वो सही है, ऐसे भी प्लांट होते हैं। तो उस प्लांट को क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरियस प्लांट, ठीक है। उसका एक एग्जांपल है पिक्चर प्लांट। अब फिगर 1.6 में देखिए, व्हाट इज कॉल्ड पिक्चर प्लांट, यू नो व्हाट डू मीन बाय पिक्चर, पिक्चर इज इन इंग्लिश वर्ड, पिक्चर मीन जग, ठीक है। जैसे इस ये जग लाइक स्ट्रक्चर है उसका, उस पे ये है लीव, ठीक है। अभी क्या होता है, जो लीव का एपेक्स होता है, व्हाट डू मीन बाय एपेक्स ऑफ द लीव, ये टॉप पार्ट, इसको क्या बोलेंगे, एपेक्स। ये एपेक्स कन्वर्ट हो जाता है इस टाइप के स्ट्रक्चर में, ठीक है। अभी यहां से इंसेक्ट जैसे ही आया वो यहां पे जाके हेयर लाइक स्ट्रक्चर में फंस जाता है, जैसे ही ये यहां पे अंदर आया ये लीड बंद हो जाती है, फिर वो इंसेक्ट बाहर नहीं जा पाता, फिर ये इसको डाइजेस्ट करके अपना न्यूट्रिशन ले लेता है। अभी आप ध्यान से देखो फिगर 1.6 को। अभी आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो इसके पत्ते हरे हैं, तो ये तो खुद फोटोसिंथेसिस करता होगा, खुद खाना पकाता होगा, ठीक है, फिर भी वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसका आंसर ये है कि उसको फोटोसिंथेसिस से वो पूरा खाना नहीं मिल पाता, ठीक है, पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, इसीलिए ये कुछ टाइप के न्यूट्रिएंट्स के लिए किस पे डिपेंड है, इंसेक्ट पे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंसेक्टिवोरियस प्लांट, ठीक है। तो इस प्लांट को, इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या कहेंगे, पार्शियली हिटरोट्रॉफस प्लांट, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, इट इज पार्शियली हिटरोट्रॉफस। इसमें दोनों टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉफस, ऑटोट्रॉफिक एंड हिटरोट्रॉफिक, ठीक है। क्या है, इंसेक्टिवोरियस प्लांट, ठीक है, एक बार देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, और जो इम्पोर्टेंस है टर्म्स उनको लिख भी देना, और कुछ ना समझ में आए तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई मोबाइल नंबर 9427347646। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।